हेलो गाईज वेलकम टू द चैनल सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द आपका बिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो टॉपिक मेंशन था आपका स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो ऑपरेटिंग सिस्टम आज मैं कवर करवा रहा हूँ लेक्चर नंबर एट है इससे पहले जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे प्ले भी मैंने आपको आपके लिए बना दिया तो आप जाके प्रॉपरली वीडियोज को वॉच कर सकते हो फॉर पी ऑफ दिस वीडियोज आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है नेक्स्ट एग्जाम आई की उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा

नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इंटरनेट पे देन उसके बाद हम सिक्योरिटी सिस्टम जो आपका एक सिक्योरिटी के बारे में मेंशन है कंप्यूटर टॉपिक में उसमें हम वायरस और एंटीवायरस को करेंगे देन उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आपका खत्म सो ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करेंगे इसमें इसमें सबसे पहले थ्योरी लगाएंगे इसमें थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरा डिटेल में जानेंगे देन उसके बाद कुछ एम लगाएंगे जो इसके रेलिवेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जेके एस भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक में वो सारा का सारा हम सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कोर ऑफ द सिस्टम कोर ऑफ़ द कंप्यूटर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली ओके okay, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस ये एक इंटरफेस है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एंड यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी हमारे हार्डवेयर सिस्टम है जैसे आपका माउस हो गया की हो गया मॉनिटर हो गया या अंदर इसके इंटरनल पार्ट्स मदरबोर्ड हो गया और एंड यूज़र एंड यूज़र हो गए हम लोग जो हम जिन्हें आउटपुट मिलता है इन बिटवीन जो सब काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र हम यानी कि एंड कंप्यूटर हार्डवेयर जिसके हम थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट्स हम देते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी पॉसिबल नहीं है यू you नो know, आजकल तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपके हमारा फ़ोन है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है देखो ना आप फ़ोन चल रहा है आप डिफरेंट चीज़ें आप चला रहे हो आप गेम्स खेल रहे हो आप यूट्यूब चला रहे हो आप सॉन्ग सुन रहे हो आप वीडियोस प्ले कर रहे हो तो ये सब कुछ क्या हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आपके पास एप्पल का फोन है आई है तो वही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं पूरे डिटेल में जानेंगे डोंट वरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे देखो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे तो मैंने आपको एग्जांपल बताई हमारा लैपटॉप आ गया टैबलेट मोबाइल फोन ये सब में ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी काम नहीं किया जा सकता ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर पूछता है कई बार कि इसमें बताओ जी ऑपरेटिंग सिस्टम के फा फादर कौन है गैरी किल्डर गैली गैरी किल्डर का नाम आप याद रख लीजिए कि गैरी किल्डल इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया डेफिनेशन कहीं मेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है जो यू नो इंटरफेस है बिटवीन द एंड यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर्स अब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इन द 1956 फिफ्टी सिक्स द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बनाया था जो बना था यू नो जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम जी एम ओ एस जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया था टू रन सिंगल आई बिन कंप्यूटर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स का आप याद रखें जी एम ओ एस पूछता है कई बार फुल फॉर्म पूछ लेगा या नाम डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना कब बना उसके बाद आई ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए जो भी अपने वो डिवाइस लॉन्च करते थे ये फर्स्ट यहाँ पूछ रहे दिस इज इंपॉर्टेंट जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको याद रखना है फादर का नाम आपने याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन है आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं मैंने टॉपिक वाइज आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मॉक टेस्ट अवेल करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है अभी जाके ऐप को डाउनलोड करें वहाँ से स्टोर कॉलम में जाकर नॉमिनल चार्ज रखा गया जिसमें आपको टेन फुल लेंथ मॉक मिलेंगे देन उसके बाद टॉपिक वाइज एम आपको हमारे इस ऐप पे मिल जाएंगे तो अभी जाके ज्वाइन करें ऐप को डाउनलोड करके एंड उसका उसमें एनरोल करें एंड बेनिफिट उठाएं देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में जेके एस कैसे पूछता है एंड उससे पहले मैं पूरा डिटेल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे देन उसके बाद जब एम सी क्यूज लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यू विल फिडेंट अबाउाउट दिस टॉपिक दर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नाइनटीन सिक्सटी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगा डोंट वरी बट सबसे पहले वो देख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों नहीं हम वैसे करें कि हम डिटेल में पढ़ते नहीं और जो कॉमन क्वेश्चन हैं वही ना मेरा फोकस कह रहा था कि पहले सबसे पहले जो चीज़ें बिल्कुल पूछी जाती हैं एग्जाम बार बार रिपीट करता है डिटेल में तो हम पढ़ सकते हैं वी कैन डू इट बट हमें क्या करना है ऐट दी एंड हमें इस सब्जेक्ट की पी नहीं करनी वी हैव टू जस्ट स्टडी द थिंग्स जो एग्ज़ाम okay? तो इस में पूछी जाती हैं ओके तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इसमें इसको लिखा किस इस लैंग्वेज में है वो लिखा है रिटर्न इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ओके डेनिस रिची फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज ये आप याद रख लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसे लॉन्च किया गया था 1960 में ये आपको याद रखना है अब कुछ नाम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपको विंडो आ गया आपका आईओएस आ गया क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम उबंतो आ गया फ्री बी आ गया ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम देन उसके बाद सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता आपसे तो दो तीन दे देगा कुछ अलग चीज़ देखे माइक्रोसॉफ्ट या अगर आपको दे देगा कुछ एग्जाम्पल्स दे देगा उसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर आपसे पूछेगा कि क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपको सात आठ भी अपने नाम याद रखे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता होगा यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन आप ईजिली आराम से उसका, उसका आंसर मार्क कर आएंगे ये पूरा डिटेल है ये वही चीज़ें जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया आई हो गया यूनिक्स हो गया मंत हो गया ब्लैकबेरी ओएस हो गया क्रोम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो गया फेडोरा हो गया एंड्रॉइड हो गया एंड माइक्रो ये हो गया ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए अब कुछ और सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जेके कि एस बार बार पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक में से देखो तो डिटेल में तो काफ़ी हम जाएंगे डोंट वरी बट मैंने वही स्टार्टिंग में बताया पहले फोकस कर लेते हैं कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वहीं से हमारा काम हो जाएगा तो भाई शुड टू गो इन टू दट पॉइंट जहाँ पे जिसको जहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते और हम टाइम अपना अनर्जी वेस्ट करें एफ सी एफ एस वेरी इंपॉर्टेंट ये डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये एक यू you नो know, एक टेक्नोलॉजी है ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम जब वर्क करता है किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को कौन सी चीज़ को पहले करता है कौन सी चीज़ को बाद में करता है तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है एफ सी एफ एस डैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एस जे एफ इसकी फुल फॉर्म पूछता है यह जी शॉर्टेस्ट जॉब एवर अब देखो ना ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कुछ ऑपरेट किया दस पंद्रह टास्क एक दे दिए एक टास्क में आपके अगर दो मिनट लगने एक टास्क में अगर तीन सेकेंड लगने तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना यू नो स्मार्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करता है वो जल्दी से निपटाता है आर आर एस आर आर एस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ये आप डायरेक्ट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इसकी डेफिनेशन याद रखने पी बी एस बेस्ड शेड्यूलिंग ये कुछ शेड्यूलिंग प्रोसेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल जब वो वर्क करता है एंड जी आई जी ओ ये भी कई बार फॉर्म आपसे पूछता है गारबेज इन गारबेज आउट जैसा आप दोगे कंप्यूटर को कोई भी आप इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको वैसा ही मिलेगा दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ देता है अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है देन उसके बाद लगाएंगे इसके एमसीक्यूज देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में चार पांच हमने इंपॉर्टेंट करने हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछेगा कि सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है एंड सबसे स्लोवेस्ट कौन सा है तो आप आंसर करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस द सबसे ओल्डेस्ट है सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड सबसे स्लोवेस्ट भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है देखो काम करने का ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है हर किसी का अपना बेनिफिट है अपना ड्रॉबैक कोई कई ऑपरेटिंग सिस्टम तेज़ तेज़ वर्क करते हैं कई ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो काम करते हैं जो तेज़ काम करते हैं वो जो काम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर मैं जो स्लो काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते यू नो एवरी वन हैज़ इज़ आ ओन एडवाटेज एंड आउन डिसएडवांटेज तो बात करें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इट एलो अस टू क्रिएट बैच विद अ सिमिलर जॉब ये काम कैसे करता है बेसिकली अगर आप इसको एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पी का डिफरेंट टास्क अगर आप दे दोगे तो ये क्या करेगा ये इनको कैसे करेगा अगर आपने तीन चार जैसे आपने एम एस वर्ड का टास्क दे दिया देन एक्सेल का दे दिया देन पी दे दिया देन आपने कुछ और इसको पेंट का कुछ काम कर दिया तो ये क्या करेगा सिमिलर टाइप के जॉब्स का बैच बनाएगा देन उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग उसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा तो स्टेट फॉरवर्ड आपको क्या याद रखना है कि ये वर्क कैसे करता है ये बैचेस बना के यू नो सेम टाइप के जॉब्स का बैचेस बना के उसको काम करता है बस इतना ही याद रखना है इसमें इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपने बेसिक आपको मैंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपसे क्या डिमांड करता है कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए यहाँ आपका अगर कोई कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होता तो फिर तो आपको इसमें डेप्थ में जाना था बट यू you नो know, चीज़ों को समझो एग्जाम की डिमांड को समझो कि क्या एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है सो so, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉरकास्टिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है बैंक स्टेटमेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे रोल्स एग्जाम्पल गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स के लिए ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इसके कुछ एग्जाम्पल्स एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एंड कैसे वर्क करता है वर्क इन द बैचेस विद अ सिमिलर टाइप ऑफ जॉब ये आपको याद रखना हैं ये कुछ यू नो डाइग्राम फॉर्म में ये पूरा शेयर किया हुआ तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया बैचेस बना के सिमिलर टाइप्स के जॉब को एक साथ करता है बचेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड आगे हमारा सेकेंड टाइप मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिससे आप अपना ये वीडियो वॉच कर रहे हो यानी कि मोबाइल फ़ोन इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें क्या करता है टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क और प्रोसेस कंकरेंटली आप देखिए आपके फ़ोन में अभी व्हाट्सएप uh, ओपन होगा आपके फ़ोन में टेलीग्राम भी ओपन होगा वहाँ से आपने पी डी एफ डाउनलोड करनी है अब आपने यूट्यूब ओपन कर दिया आप देखेंगे अब कोई सॉन्ग भी प्ले कर देंगे आप क्रोम भी प्ले ओपन uh, कर देंगे तो ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम्पल हमारा हमारे हाथ में ही है तो इसमें ज़्यादा क्या कि डिफरेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क और प्रोसेस को एक साथ वो एग्जीक्यूट कर सकता है इसका नाम है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जाम्पल आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन लैपटॉप इस तरीके के यू you नो know, ये सारे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स में दिया ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हाथ में वर्ड भी है वेब ब्राउजर भी ओपन है ई भी ओपन है तो ये सारे एक साथ ये कर रहा है ओके okay, क्लियर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है इसको मल्टी टास्किंग और इसमें इसका बेसिक सा डिफरेंस है मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम ये बेसिकली सर्वर से यहाँ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आपने देखा होगा कि कई बारी एक प्रिंटर एक ही होगा यू you नो know, प्रिंटर एक ही होगा सिस्टम चार पांच सात लगे होंगे आप किसी से भी कमांड दे दो प्रिंट की वो प्रिंटर निकाल के दे देगा तो इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग जिसमें इसमें कुछ जैसे कुछ अगर दो सी कई बारी वर्क कर रहे होते हैं विद द सेम Uh, sample, एक ही सिंपल रैम एक ही रहता है उसमें सी पी दो लगे होते हैं तो इस तरीके से ये वर्क करता है एग्जाम्पल मैंने आपको प्रिंटर वाला दे दिया तो वो आपकी एग्जाम्पल होगी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे बेसिकली एक ही टाइम पे मल्टी प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं एट द सेम टाइम ओके तो ये आपको सिंपल से याद रखना है ये कुछ एग्ज़ाम्पल डाइग्राम फॉर्म में भी यहाँ पे मैंशन की है उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इट हैज़ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम द प्रोसेसिंग टाइम इज़ वेरी स्मॉल बिटवीन द यूजर कमांड एंड द आउटपुट यूज इन द फील्ड वेयर द क्यूक रिस्पांस हैज़ टू बी नेटेड अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है पूरा एग्जाम्पल समझाऊंगा फिर आपको ज़्यादा बेटर लगेगा देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आप फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स में करते हैं मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में टिकट बुकिंग सिस्टम्स में करते हैं अब टिकट बुकिंग की एग्जाम्पल सब बेटर है आपको आप कोई एग्जाम्पल ले लो कि आप कोई फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो या आपके ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो तो अब आपको दिख रहा है कि हाँ वो आपने पूरे इंडिया में आप कोई भी या किसी की साइट खोलेगा या कोई अगर टिकट बुक कर रहा है फ्लाइट बुक कर रहा है अगर लेट्स सपोज 80 सीट्स आर अवेलेबल तो आप देखिए कि अगर कोई सीट बुक हो जाती है तो विद इन रियल टाइम वो अपडेट कर देगा 79 अगर रहेंगी ए में से एक बुक हो गई तो 79 रियल टाइम में अपडेट हो जाएगी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक सेकंड बाद होगी या किसी को 10 सेकंड बाद होगी रियल टाइम में होगी इंस्टेंटली सबके लिए होगा तो ये प्रोसेसर सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ सब चीज़ें क्यूकली चाहिए होती हैं ओके okay? तो आई होप ये समझ गए हो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट नो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स में इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में टिकट बुकिंग सिस्टम्स में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं ये सिंपल्स आपने याद रखना है ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए ओके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है वन टू आर मोर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वन कैन ओपन फाइल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन दियर सिस्टम बट इन द डिस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर ज़्यादा बेटर समझ आएगी देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल uh, से एग्जाम्पल लेट सपोज आप अमेजॉन से ऑर्डर करते हो राइट right? अमेजॉन से आप कुछ ऑर्डर करते हो आपने अमेजोन का साइट खोला एक आपका हो गया जी आपने अमेजोन साइट खोला कुछ आपने प्रोडक्ट ओपन किया आपने प्रोडक्ट को प्लेस किया आपका बैंक का भी कनेक्ट हो गया उसके साथ वहाँ से आपने पेमेंट कर दी एंड वहीं से कुरियर वाले को भी सारी डिटेल्स चली ली कि ये सारे सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है यू you नो know, जिसमें मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटली आप अमेजान uh, से ऑर्डर करेंगे बैंक सर्वर भी आपका वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा वहीं से आपको जहाँ पे डिलीवरी पार्टनर है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेस टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन तो आई होप अब आपको ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आसान भाषा में मैंने आपको ये समझा दिया ओके okay, ये देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क है वर्क स्टेशन टर्मिनल फाइल सर्वर सब एक साथ मिलके रियल टाइम में वर्क करें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है दैन उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट जिसमें मल्टीपल पीपल्स एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज़ इट प्रोग्राम एट ए सेम टाइम द मेन मोटिव इज़ टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम देखो मैं आपको एक्जाम्पल बताऊँ इसमें काफ़ी ईजी सा आप समझ आएंगे एग्जाम्पल्स आप बैंक की साइट ओपन करते हैं या फिर आप कोई भी आई आर की टिकट बुकिंग करते हैं या कुछ भी आप करते हैं आप बैंक की साइड की एग्जांपल ले लो आप अगर लॉगिन करेंगे अपने अगर आपने नेट बैंकिंग है तो आप देखेंगे कि तीन से चार मिनट अगर आप मैक्सिमम या जितना भी लिमिट सेट होता है तो अगर आप तीन से चार मिनट इनएक्टिव रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लॉगआउट हो जाएगा क्योंकि ये रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इग्जाम्पल अब कैसे देखो आपने लॉग इन किया अब आप लॉग इन करके छोड़ देंगे आप देखेंगे कि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम अलॉट होता है डू डू दम थिंग हालांकि आप जब यूज़ करते रहेंगे ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप पाँच दस मिनट करेंगे तो वो बंद ही हो जाएगा फिर नहीं होगा येस होगा बट अगर आप उस पर वर्क कर रहे होंगे तो यानी कि अब अगर आप इनएक्टिव हो जाएंगे यू नो इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा लॉग आउट हो जाएगा सो डैट की यू नो टू अवॉइड एनी ओवरलैपिंग या फिर नेटवर्क ब्लॉक हो जा बेसिकली यू नो जब डिफरेंट एक ही टाइम यूजर डिफरेंट यूजर से एक साथ काम करेंगे तो सर्वर थोड़ा लो भी हो जाता है स्लो भी हो जाता है तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन टेक्नोलॉजी में यहां यूज होता है यहां एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम दिया जाता है इफ़ यू आर इनएक्टिव तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा देन उसके बाद कोई दूसरा बंदा यूज करेगा हालांकि आप एक टाइम कर सकते हैं बट स्टिल यू नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो चीज़ें इसलिए टाइम सेट किया जाता है सो डेट कि अगर आप इनएक्टिव हैं तो वो सर्वर को बिजी ना करें सर्वर को प्रॉपरली मैनेज कर पाए कोई इशूज ना आए तो रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया उसके बाद एम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी इंपोर्टेंट एम्बेडिंग सिस्टम है ये बेसिकली डिजाइन किया गया है टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे आपका एटीएम एटीएम यू नो आप एटीएम में देखेंगे तो उसका एक ही काम है जस्ट आपके लिए जो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस राइट तो ये एग्जांपल आपका आ गया एटीएम मशीन जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन वही मोबाइल मैंने आपको जो बताया स्मार्टफोन्स में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है क्या अगर फास्टेस्ट ऑपरेटिंग स्लोवेस्ट तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट टाइम तो अगर मैं आपसे कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है देखो आपको आंसर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ देगा अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा फास्टेस्ट सिंपल पूछेगा भी ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखो अगर फास्टेस्ट में पूछे अगर एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है कि बताओ कि फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देन आप डायरेक्टली आप इसको यू you नो know, अगर अगर रिसोर्स अगर वहां पर मैंशन होगा रिसोर्स शेयरिंग में देखो सिंपल सिंपल अगेन रिपीट करता हूं स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एन यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखो रियल टाइम क्यों नहीं क्योंकि अगर रियल टाइम में पूछेगा रियल टाइम अगर पूछेगा फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इन रियल टाइम देन आपका डायरेक्ट आंसर आप लगाएंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बट अगर शेयर्ड रिसोर्सेज की बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ शेयर्ड रिसोरर्सेज की बात की जाएगी देन आपका जो करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ये अपने यू नो रिसोर्स को शेयर करा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो तो बैंकिंग की साइट भी चल रही है अमेजोन की भी चल रही है डिलीवरी पार्टनर की भी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं एट द सेम टाइम तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर शेयर्ड ऑपरेटिंग शेयर्ड र मैंशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर नॉर्मली होगा कि जो फॉलोइंग इज द यू नो इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम देन आपका जो आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो आई होप क्लियर है अगर रिसोर्सेज मैंशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कुछ भी मैंशन नहीं होगा तो सिंपल फॉरवर्ड आपने आंसर लगा देना है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसका करेक्ट आंसर होगा अगर रियल टाइम में मैंशन होगा तो फिर आप रियल टाइम लगा देंगे ओके okay, तो आई होप ये इतना सा क्लियर है टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे एम्बेडेड में आपको बता दिया मोबाइल ऑपरेटिंग मैंने बता दिया अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं जी ये बताना आपने बेनिफिट्स क्या हैं इसके इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे प्रॉपर सिस्टम को चलाने में मदद करता है इट हेल्प्स द मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है कंप्यूटर अगर जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू वर्क दैन इसमें आपकी बूटिंग एंड रिबोटिंग प्रोसेस होता है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट ऑफ पैरिफिल डिवाइसेस कोऑर्डिनेट विद द सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर कोई कोई भी काम है हमारे सिस्टम को प्रॉपरली वो हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स कोई भी पॉजिटिव बात लिखी होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है कुछ एग्जांपल्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉयड 2008 हज़ार आठ में विंडोज़ हो गया ये पूरा डिटेल आपको मैंने यहाँ मेंशन किया ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको नाम फिलहाल तो एटलीस्ट ईयर ना भी याद रखें चलेगा बट नाम आपको याद रखने ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से नाम हैं एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब लगाते हैं कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है लिनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड अगेन वेरी इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बट औरकल तो हमने देखा नहीं ऑरकल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक डाटा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये कैसे आप आंसर कर पाएंगे जब आपको एटलीस्ट आठ से दस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता होंगे आपको ओरेकल नहीं पता होगा तो अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको लगेगा कि ओरेकल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बट अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट पता होंगे मेजर मेजर पता होंगे तो तभी आपका काम चल जाएगा और ओरेकल एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताया टाइम शेयरिंग बताया रियल भी बताया बट बत सिक्वेंस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ नहीं बताया तो इसका आंसर यही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलिंग इज़ यूज टू मैनेज मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज मेमोरी को मैनेज कौन करता है इसमें जो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी यूज़ होती है वो है रैम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी यूज़ होती है वो रैम होती है जो आपकी नॉन वोला वोलाटाइल है वोलाटाइल मतलब जो उठ जाती है जल्दी मैंने आपको डिटेल में बताया वोलाटाइल नॉन वालाटाइल तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें मेमोरी मैनेजर बेसिकली मैंने ये मैनेज मेमोरी इसमें क्वेश्चन पूछा पूछा तो फॉलिंग इज यूज्ड टू मैनेज मेमोरी मैनेज मेमोरी मैनेजर बोलते हैं इसको बट उसमें जो रियल टाइम जो यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी वो रैम होती है वो आपको याद रखना वो क्वेश्चन आ जाएगा आगे डोंट वरी वट इज़ अ प्रोसेस इन द कंटेक्सट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेक्सट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या है वट इज अ टर्म प्रोसेस ये क्वेश्चन प्रोसेस कहीं मेरी पूछ देता है कि प्रोसेस क्या है प्रोसेस क्या है जी एन इंस्टेंट ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम एन इंस्टेंट इंस्टेंस जो हमारे प्रोग्राम को रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्सट में प्रोसेस की डेफिनेशन है एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम डैट सॉल यू टू रिमेंबर एक एक्टिव इंस्टेंस जिसके तहत प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन चलता है चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो तो जो एक प्रोसेस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस पूछे वट इज प्रोसेस जो इंस्टेंस ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम जो एक कार्यकाल यानी कि एक जो क्रिया है बेसिकली काम करने की ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे प्रोसेस बोलते हैं इन वट स्केड्यूलिंग एलोग्रिथम देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना कुछ स्केड्यूलिंग प्रोसेस होते हैं जिसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब एवर जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो ये कुछ एलोग्रिथम्स होती हैं अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच शेड्यूलिंग एलाग्रीथम डज द प्रोसेस अराइव फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटि फर्स्ट कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें पहले जो आया वो एग्जीक्यूटि भी फर्स्ट किया जाएगा तो मैंने आपको बताया थी जब फुल फॉर्म तो एफ सी एफ एस यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत जो सबसे पहले आया उसी को सर्व किया जाएगा एक एलाउ्रिथम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है सबसे छोटा सबसे ईजी जॉब यानी कि सबसे अगर शॉर्टेस्ट जॉब होगा तो उससे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा ये डिफरेंट एलोग्रथम्स के तहत हैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोसेस के तहत फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटिव फर्स्ट कौन सा एलोग्रिथम है यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंडर आ जाता है ओके okay? उसके बाद आ गया ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एश्योर डट द मल्टीपल प्रोसेस नॉट एक्सेस द सेम रिस साइमल्टेनियसली ये एक इंपॉर्टेंट हम है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाती है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्श्योर करता है दिस इंश्योर्स द प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मल्टीपल प्रोसेस डज नॉट एक्सेस द सेम साइमल्टेनियसली यानी कि मल्टीपल प्रोसेस सेम रिसोर्सेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस एंश्योर करता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये इतना भी आप याद रखें ये आपके लिए सफिशेंट है कि कौन सा रिसोर्स एन्श्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस डू नॉट एक्सेस द सेम रिसोर्सेज डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस एक ही टाइम पे सेम रिसोर्स को साइमल्टेनली एक्सेस नहीं करेंगे दिस हैज़ बिन इश्यूड बाय द मल्ट म्यूचुअल एक्सक्लूशन टर्म इन ऑपरेटिंग सिस्टम ये टर्म को आपको ज़रूर याद रखना है दिस इज़ इंपॉर्टेंट ओके इसमें एक टर्म थ्रेड भी होती है थ्रेड बेसिकली व्हाट इज़ थ्रेड जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एन इंस्टेंस ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस अब इसकी कुछ फर्दर है इसमें इसमें भी लाइट वेट प्रोसेस एक जो प्रोसेस है बेसिकली एक लाइट वेट प्रोसेस होता है उसको हम थ्रेड भी बोलते हैं ओके प्रोसेस प्रोसेस का मतलब है इंस्टेंट ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम एंड लाइट वेट एक प्रोसेस को हम एक थ्रेड भी बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस और ऑल्सो नोन एज थ्रेड ये भी आप सिंपल सा याद रख सकते हो कुछ टर्म्स में देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जस्ट यू हैव टू डू द बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब इसमें अगर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता तो फिर हमें ज़रूर बीच में घुस के इसमें सब चीज़ें करनी है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जस्ट बेसिक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेड लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जी और कब हो जाता है डेड लॉक डेड लॉक तब होता है द सेट ऑफ प्रोसेसिज आर ऑल ब्लॉक्ड एंड वेटिंग फॉर ईच अदर यू you नो know, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या प्राइम रोल है कि एक टाइम पे एक ही टाइम पे यू you नो know, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रिसोर्स एक ही प्रोसेस को एक्सेस ना करें ओके okay? एक साइमल्टेनियसली एक्सेस ना करें तो यही चीज़ है कि अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेड लॉक भी क्रिएट हो जाता है तो डेड लॉक कब क्रिएट होता है द सेट ऑफ प्रोसेस आर ऑल ब्लॉक एंड वेटिंग फॉर हीच अदर तो डेड लॉक इस कंडीशन में क्रिएट हो जाता है यानी कि ये आपको याद रखना है ओके okay? विच टाइप ऑफ मेमरी इज मैनेज बाय डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसमें मैन मेन मेमरी मेन मेमरी में कौन सा रैम ये आपको याद रखना है वट इज़ द फंक्शन ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम देखो जैसे हमारा हार्ट है ना हम हार्ट के बिना नहीं जी सकते वैसे ही कर्नल एक टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिससे हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जो एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सो कर्नल एक टर्म है एक यू नो सिंपल वर्ड में आप याद रखें हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है उसको हम बोलते हैं कर्नल ओके okay. ये आपको याद रखना है एंड सिंपल स्टेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं ओके okay. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका फंक्शन क्या है तो इट वर्क्स एज ए यू नो जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को ऑप्शन नंबर बी विदाउट यू नो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग इज़ पॉसिबल कर्नल और शेल कर्नल मैंने आपको बताया शेल भी अगेन इंपोर्टेंट टर्म है इसे कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम तो शेल भी एक इंपॉर्टेंट है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हेल्प करता है विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने में कि एप्लीकेशन की क्या डिमांड है हम वर्ड चला रहे हैं तो वर्ड में हम क्या डिमांड कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि वर्ड को हम जो बैक एंड पे काम है जो शेल ही है जो यू you नो know, एक प्रॉपर्ली वो इंटरेक्ट करवाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए तो बिहाइंड द सीन्स जो काम करता है शेल का भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टर्म है जो आपको याद करें जो सेट ऑफ प्रोग्राम यूज़ टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जो इंटरेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स देखो अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है आपसे कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाता है तो ओपन सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो एंड फ्रिक्वेंटली लास्ट क्वेश्चन लिनक्स लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये क्या है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख लेंगे दैट इज़ सफिशंट देखो ओपन सिस्टम ओपन टाइप क्लोजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है विच अलोज यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को अलो करता है बेसिकली जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वही हम कर रहे हैं हम जैसे बंदे तो कुछ भी नहीं करते इसमें हमें तो पता भी नहीं है ओपन सोर्स भी हो चाहे क्लोज सोर्स हो हमारा तो हमारे तो आउट ऑफ कंटेक्स रहता है बट स्टिल हमें याद रखना है एलाोज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाइड डेटा ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज ओपन टू द पब्लिक मीनिंग डट एनी कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द रिसोर्स कोड इसके रिसोर्स कोड को मॉडिफाई किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ़न फ्री एंड कैन बी ए गुड चॉइस फॉर द इंडिविजुअल यूजर्स यानी कि अगर जिसके ओपन सोर्स को मॉडिफाई कर किया जा सके उस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जिसके नहीं किया जा सके दैट इज़ क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोज सिस्टम्स को और इसका नाम क्या है इस ऑल्सो नोन एज प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर ये आप याद रखें दिस इज इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से क्लोज हैं कौन कौन से ओपन हैं दैन ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल्स में ओपन सोर्स की बात करूँ लिनेक्स काफी बारी क्वेश्चन पूछता है लिनक्स अपैच है वर्ड प्रेस रूपल ओडिस्टी लिब्रा ऑफिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि इसमें से बताओ कि ओपन कौन सा है क्लोज कौन सा है तो विंडोज़ आ गया आपका एडोब आ गया फोटोशॉप आई ट्यून्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूट कैड आर एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम इनके नाम आपको याद करें लिनक्स का भी याद रख लीजिएगा एंड क्लोज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडोब फोटोशॉप का भी याद रख लीजिएगा ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ये इसका सोर्स कोड चेंज नहीं किया जा सकता वेल ओपन सोर्स में अगर बात करें इसका सोर्स कोड चेंज किया जा सकता है तो ये हो गया जी आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें पसंद आई आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ अब आप कहीं से भी आप एम लगा दीजिए आपको यू विल रिलाइज कि आप आंसर आप इजीली कर पाएंगे आप इजिली इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं एंड जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया यहाँ से आप कर लीजिएगा बाकी प्रैक्टिस सेट तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में आपको डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आप कैसे एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियसली कैसे पूछे जाते हैं तो कंसेप्ट मेन पॉइंट इज कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हम डायरेक्ट और लगाते रहेंगे अभी आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आपके लिए सिर्फ एम सेट आएंगे जिसमें आपका करंट प्लस आपका अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवाते रहूँगा डोंट वरी बस दो वीडियोज़ और आएंगे कंप्यूटर को हम खत्म कर देंगे देन उसके बाद जी एस सेक्शन पर फोकस करूंगा एंड दस नवंबर से पहले पहले आपका सारा सिलेबस जी एस सेक्शन का जिसमें कंप्यूटर भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा फिफ्टी मार्क्स आपके कंप्लीट दैन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग भी लाऊँ बट मेन फोकस रहेगा कि एटलीस्ट अगर पचास मार्क्स आपका जीएस है तो आपके मैं फोर्टी प्लस मार्क्स आप ईजिली उसमें अटेंड कर पाएं आप उसे आंसर कर पाएं दिस माय टारगेट तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू वीडियो थैंक यू गायज टेक केयर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड मॉक टेस्ट जरूर एक्सेस करें उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए न्यू रहती हैं नई डेली मॉक टेस्ट आते हैं उसमें, उसमें उसे जरूर ज्वाइन करें थैंक यू टेक केयर सी यू सून